हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट. यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है. द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट बाइंड टू द एंजाइम. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट कैसा हो जाता है? करेक्ट हो जाता है. एंजाइम की एक्टिविटी डेफिनेटली डिपेंड करती है कि वहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं या नहीं है उनकी प्रेजेंस पर जो एंजाइम से बाइंड करते हैं. ठीक है, अब वो केमिकल मे बी इनहिबिटर की तरह काम करे तो ऑब्वियस सी बात है एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट हो जाएगी. तो सेंसिटिव होते हैं एंजाइम प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट बाइंड टू द एंजाइम. नेक्स्ट देखिए, थर्मल स्टेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम द थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म. यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है. थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर भी काम कर सकते हैं. ठीक है, जैसे थर्मस एक्वाटिकस आप जानते हैं. थर्मस एक्वाटिकस से एंजाइम ऑब्टेन किया गया टैक पॉलीमरेज. टैक पॉलीमरेज, ठीक है. नॉर्मली आप क्या देखते हैं, जो पॉलीमरेज है वो हाई टेम्परेचर पर काम नहीं करता, बट जो टैक पॉलीमरेज है ना, थर्मोस्टेबल और थर्मोफिलिक जो होता है बैक्टीरिया, उससे ऑब्टेन किया गया है. तो ये हाई टेम्परेचर पर काम कर सकता है. ये हाई टेम्परेचर पर हाईली इफेक्टिव है और हाईली एक्टिव है. ठीक है, इसीलिए आप जानते हैं इसका रोल पीसीआर में बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर पीसीआर के हीरो की हम बात करें तो वो ये एंजाइम ही है, टैक पॉलीमरेज. इस एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से हाई टेम्परेचर पर क्या देखते हैं आप, पीसीआर में ये एंजाइम काम कर लेता है और डीएनए की सिंथेसिस करा देता है. नेक्स्ट देखिए, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट गेट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर. इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर डैमेज हो जाते हैं, ये इनकरेक्ट है. जब हम एंजाइम और कैटलिस्ट के बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं ना, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस हैं, बट जो मेन डिफरेंस आता है वो यही आता है कि ये जो कैटलिस्ट होते हैं ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की ही बात हो रही है यहाँ पे. हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर हाईली एक्टिव होते हैं. हाई प्रेशर पर हाईली कैसे होंगे? एक्टिव होंगे. ये किसकी बात करें? कैटलिस्ट की बात करें. ठीक है, कैटलिस्ट हाईली एक्टिव होंगे, बट यहाँ ये क्या कह रहे हैं, हाई टेम्परेचर पर डैमेज हो जाते हैं, जो कि इनकरेक्ट है. हाई टेम्परेचर पर जो डैमेज होगा वो कौन होगा? एंजाइम, क्योंकि मोस्टली एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं. कुछ ऐसे भी हैं, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट कुछ ऐसे भी हैं न्यूक्लिक एसिड एंजाइम की तरह काम करते हैं. इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई प्रेशर. बिल्कुल, हाई प्रेशर पर एफिशिएंटली काम करते हैं. तो करेक्ट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना था. इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो बन रहा है वो ऑप्शन सी. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यूएनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 154 पर गिवन है. थैंक